फ्यूचर में मैं प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता हूँ, किसानों की सेवा करना चाहता हूँ। किसकी तरह? हाँ जी, किसकी तरह? किसी की तरह नहीं, चौधरी चरण सिंह। मैं अपनी तरह जवाहरलाल नेहरू। किस देखिए, मैं जब बनूंगा ना किसान, जब मैं बनूंगा एक प्राइम मिनिस्टर, तो मेरे अंदर वो नहीं आएगा भाई मेरे पास दौलत है शोहरत है, ये किसान गए भाड़ में। किसानों का राज चलेगा फिर पूरे देश में। जब भी कोई कानून आएगा कुछ भी हम लागू करेंगे तो पहले किसानों से पूछा जाएगा, किसानों की राय ली जाएगी, और जितने भी किसान नहीं है जो लोग ये शहरों में रहते हैं उनसे भी राय ली जाएगी, वोटिंग हुआ करेगी। ठीक है, दो डब्बे रखे जाएंगे, ठीक है, हर जगह जगह पे, जगह जगह की एक जगह फिक्स होगी, वहाँ पे लोगों को वोटिंग करनी होगी। उसके लिए मैं करूँगा कि उनको जो चाहिए उस पर विचार करा जाए, उस पर मैंने अभी आपको बताया एक वोटिंग बॉक्स होगा जिसमें वोटिंग होगी। प्रधानमंत्री बनना आपका बचपन का प्यार है अभी से? बिल्कुल, मैं किसानों की सेवा करना चाहता हूँ, इसीलिए बीजेपी सरकार को घेर रहे हैं, अपना फील्ड बना रहे हैं। देखिए अरे यार, तुम ना एक तो सारे रिपोर्टरों की प्रॉब्लम ये कहीं भी घुमा फिरा के आना इस पे ही होता है बीजेपी की पे, और इसको फंसाना होता है बस किसी को भी, सारे यही करते हैं। तो प्लीज देखिए, मुझे अपने हकों की बात कर रहा हूँ, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना होगा, मैं अपने दम से बनूंगा, मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। अंधभक्त में देखिए, अंधभक्त मैं किसानों का हूँ, और अंधभक्त ना कहें इसको, सबसे पहले तो अंधभक्त ना कहें। किसान हमारे देश का अन्नदाता है, उसकी वजह से ही रोटी मिलती है, उसकी वजह से ही हमें मिलती है जो भी मिलता है, सब्जियाँ मिलती हैं। ठीक है, इसलिए ये किसानों को कम ना समझा जाए, इनको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। और आप क्या पूछ रहे थे? किसी की नहीं, मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा। बहुत बढ़िया, वो आप देख लेना आगे चल के, अभी से क्यों बताया जाए सब कुछ। सबसे पहले तो मैं, सबसे पहले देखो किसानों के लिए जो एक किसानों से कुछ पूछूंगा, किसानों से मैं कहूंगा कि आपको कुछ चाहिए, आपको कोई ऐसी चीज है जिसकी कमी पड़ रही है तो वो मुझे बताया जाए। ये मैं फिर एक लेटर बॉक्स रखवा जाऊंगा हर जो वो होता है गांव उसके चौराहे पे। उधर एक सबसे जरूरी देखिए किसान आंदोलन है, फिर महंगाई है, ठीक है, इतनी महंगाई बढ़ रही है ये खास करके, ठीक है। और आपको मैं बता दूं, ये जो बेरोजगारी और जो ब्लैक मनी को है वो छुपाया जा रहा है।